सो गाइज, अगर आपके पास ये डिवाइस है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस फोन से रिलेटेड काफी सारे मैं वीडियो देते रहता हूँ इसी चैनल पे, एंड एंड्रॉइड 13 से रिलेटेड काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। सो यहाँ पे हम इस वीडियो पे ये सीखेंगे कि ऑक्सीजन ओएस 13 जो है, यानी एंड्रॉइड 13 जो है, इसका बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है अगर आप अपने डिवाइस पे एक्टिव कर लेते हैं तो, अपडेट कर लेते हैं और ये फीचर्स आपको अगर मिल जाता है एंड्रॉइड 13, सो इसका बेनिफिट क्या क्या होने वाला है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। एंड एंड्रॉइड 13 का फर्स्ट लुक कैसा रहता है वो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इसी चैनल पे अपलोडेड है, इसे जरूर देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि एंड्रॉइड 13 अगर आप यूज करोगे तो आपको कैसा जो है आपके डिवाइस में जो है देखने को आएगा, वो वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि एंड्रॉइड 13 जो है इसका बेनिफिट क्या क्या होने वाला है अगर हम जो है एंड्रॉइड 13 को रिसीव कर लेते हैं तो। सो कंपनी जो है खुद यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पे एड्स इक्विपमेंट डिजाइन थीम्स कलर्स फॉर एनहेंस विजुअल कंफर्ट, यानी उसका थीम्स जो रहता है, कलर जो रहता है, उसका आपको जो है इंक्रीज जो है देखने को मिलेगा, यानी लुकिंग कुछ ज्यादा आपको जो है देखने को मिलेगा। अच्छा, एड शो रिफ्लेक्टिव क्लॉक विद एडो सिमुलेटिंग, यानी जो है क्लॉक जो रहता है, घड़ी जो रहता है, वो जो आप देखोगे सो साइड में आपको शेडो टाइप का जो है देखने को मिलेगा। एंड अपग्रेड्स टू एक्यूटियम एनिमेशन 4.0, यानी एनिमेशन जो आप जो कोई भी एप्लीकेशन जो ओपन करते हैं, एनिमेशन जो के साथ जो ऑन होता है ऑफ होता है, सो उसमें लुकिंग आपको कुछ ज्यादा जो है देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन रियल वर्ड फिजिकल मोशन टू एनिमेशन टू मेक थीम लुक मोर नेचुरल एंड इनिटिएटिव, यानी उसका लुकिंग जो है आपको बिल्कुल नेचुरल टाइप का आपको जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेंगे इफिशियंसी, यहाँ पे एड्स लार्ज फोल्डर विद होम स्क्रीन, यानी होम स्क्रीन पे जो कोई भी फोल्डर ओपन करते हुए देखोगे, सो एंड्रॉइड 12 अगर आप यूज करते हैं 12 11, सो उसमें फोल्डर जो है इतना लार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एंड्रॉइड 13 अगर आप यूज करोगे सो इसका फोल्डर जो है आइकन जो है कुछ लार्ज जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड एड्स मीडिया प्लेबैक कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज द क्विक सेटिंग एक्सपीरियंस, एड साइड बार टूल बॉक्स यू कैन ओपन फ्लोटिंग विंडो इन साइड ओपन फॉर द स्मूथ ऑपरेशन, यानी क्या बोलता है कि आप जो कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे सो क्या होगा कि पूरा लार्ज में जो वो ओपन होगा, पहले कुछ और टाइप का होता था, लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड 12 आप 13 यूज करोगे सो जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे या फिर ऑन करोगे ऑफ करोगे सो इसका एनिमेशन जो है कुछ और टाइप का आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ऑप्टिमाइज सेल्फ स्वीप डाउन ऑन द होम स्क्रीन विल ब्रिंग अप द सेल्फ बाय डिफॉल्ट, कैन सर्च कंटेंट ऑनलाइन एंड ऊपर से जो भी जो नोटिफिकेशन आप स्लाइड करते हो उसमें भी काफी सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एंड सर्च करने का जो भी ऑप्शन रहता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, यानी सिक्योरिटी जो है ये भी काफी जो है इनहेंस हो जाएगा एंड्रॉइड 13 में अगर आप अपडेट करते हैं तो। एड्स एंड ऑटोमेटिकली पिक्सेलेशन फीचर्स फॉर चैट स्क्रीनशॉट द सिस्टम कैन आइडेंटिफाई एंड ऑटोमेटिकली पिक्सेल, यानी क्या होता है कि कोई भी जो सिक्योरिटी रहता है, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे यूज करोगे सो इसमें ऑटोमेटिकली उसका सिक्योरिटी जो है हाई लेवल का रहेगा। अभी जो है क्या होता है कि अगर इतना जो है आप जो देखोगे कोई भी एप्लीकेशन यूज करोगे यहाँ यहाँ से अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप इंस्टॉल करते हैं सो उसका सिक्योरिटी इतना हाई आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहीं पे अगर आप एंड्रॉइड 13 यूज करोगे सो उसका सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली उसमें कैप्चर कर लेगा एंड हाई जो है परफॉर्मेंस आपको देगा सिक्योरिटी में। हेल्थ डिजिटल वेबिंग आपको एड्स डिस्टेंस फ्रॉम फोन अम्बाइन लाइट, यानी एम्बाइन सिस्टम जो रहता है एक कहता है कि आप डिस्प्ले अगर आप ऑफ कर दोगे फिर भी लाइटिंग वोटिंग जो आपको देखने को मिलेगा, काफी फोन पे रहता है काफी फोन पे वो नहीं रहता है सो वो एंड्रॉइड 13 अगर यूज करोगे तो वो भी आपको जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजिंग, एड्स डायनामिक कंफर्टिंग इंजिन टू इंप्रूव द सिस्टम स्पीड स्टेबिलिटी बैटरी लाइफ एंड एप्स एक्सपीरियंस, इसमें यह है कि जैसे आप आईफोन यूज करोगे अगर सो उसमें एक स्लाइड बार ऊपर की ओर जो है डायनामिक टाइप का देखने को मिला है, वो चीज आपको एंड्रॉइड 13 में भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है ऐसा बोल रहा है, एंड यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है ज्यादा इंक्रीज कर देगा एंड स्टेबिलाईज कोई भी एप्स जो ओपन करोगे सो उसका भी डाटा अच्छे से यहाँ पे जो है सिक्योर करेगा एंड बैटरी लाइफ जो रहता है वो इंक्रीज कर देगा, यानी अगर आप पहले बैटरी ज्यादा आपका नहीं टिक रहा था सो एंड्रॉइड 13 अगर आप यूज करोगे सो बैटरी का लाइफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, अब जो है क्या होगा कि बैटरी जो है ज्यादा जो है चार्ज टिकने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस अपग्रेड टू हाइबर बूस्ट जीपीए 4.0 टू स्टेबिलाईज द फ्रेम रेट एंड बैलेंस, यानी क्या होता है कि गेमिंग काफी सारे फोन पे रहता है कि गेमिंग जो है इतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है सो एंड्रॉइड 13 अगर आप यूज करोगे सो इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस भी ज्यादा आपको जो है अच्छा जो है देखने को मिलेगा जो भी डिवाइस आप जो है यूज करोगे एंड्रॉइड 13 लेके। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसे आप ध्यान से समझ लेना, मस्ट नाउज है, यहाँ पे क्या बोलता है अपडेटिंग द सिस्टम विल नॉट डिलीट टू मॉडिफाई योर डाटा फॉर सिक्योरिटी इज रिकमेंडेड टू बैक अप योर डाटा बिफोर स्टार्टिंग टू द अपडेट, यानी ये बोल रहा है कि कोई भी डाटा आपका जो फोन का है
वो रिमूव नहीं होगा। काफी लोग मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि एंड्रॉइड 13 कर लेते हैं इंस्टॉल, अपडेट कर लेते हैं, सो क्या आप जो फोन का जो डाटा रहता है वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा? जी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एंड्रॉइड 13 अगर इंस्टॉल करते हैं सो आपका फोन पे जो भी डाटा रहता है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद यहाँ पे बता रहा है। ओके, एंड एक चीज यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है कि आपका फोन पे जो है स्पेस आपको जो है अच्छे से रखना होगा, यानी स्पेस ज्यादा आपको रखना होगा, ताकि जितना जो है अपडेट लेगा, जैसे कि एंड्रॉइड 13 में जो है अपडेट यहाँ पे अपडेट किया था सो 4.50 GB का लिया था, सो आपका फोन पे स्पेस आपको ज्यादा से ज्यादा आपको रहने देना है, तभी वो अपडेट जो है कंप्लीट हो पाएगा। अगर जो है फोन का स्पेस आप ज्यादा नहीं रखोगे सो अपडेट जो है कंप्लीट नहीं होगा, वो बीच में ही अटक सकता है। दूसरा नंबर में आपको यहाँ पे ये बोलता है कि इफ यू इनकाउंटर एनी प्रॉब्लम्स व्हेन यूजिंग द न्यू वर्जन प्लीज कॉन्टेक्ट आवर कस्टमर सर्विस। अगर आपके डिवाइस में कुछ भी डाटा रिमूव हो जाता है, रिमूव तो नहीं होगा, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एक दो डाटा रिमूव हो गया है या फिर आपको ऐसा एक चांस है, सो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो है कस्टमर सर्विस से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड तीसरा नंबर में बोल रहा है द अपडेट पैकेज विल बी डिलीटेड आफ्टर बीइंग इंस्टॉल्ड। सो अपडेट करने का जो बात जो रहता है वहां से आपको जो सॉफ्ट हो रहा है एंड्रॉइड 13 सो वो चीज हट जाएगा। सो गाइस एंड्रॉइड 13 का ये काफी सारे जो है बेनिफिट आपको मिलेंगे, जो परफॉर्मेंस उसका ज्यादा से ज्यादा जो है इंक्रीज कर लिया जाता है अगर आप एंड्रॉइड 13 यूज करेंगे तो। सो गाइस आई होप कि आप समझ चुके हैं। अगर आपको एंड्रॉइड 13 से कुछ भी वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको एंड्रॉइड फोन से रिलेटेड भी सीखना है कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।